स्वर्गीय मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर सामने आई है। दिनांक 9 मार्च 2021 को मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर में संघ प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, दादरा नगर हवेली के समाहर्ता संदीप कुमार सिंह, पूर्व एसपी शरद दराड़े, आरडीसी अपूर्व शर्मा, डीवाईएसपी मनस्वी जैन, पीआई मनोज पटेल, दमन लॉ सेक्रेटरी रोहित यादव, भाजपा नेता फतेह सिंह चौहान, तलाटी दिलीप पटेल के नाम शामिल है, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 506, 379, 120B एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत धारा 31N, 31P, 322, 32VA लागू की गई है। यह एफआईआर स्वर्गीय मोहन डेलकर के पुत्र अभिनव डेलकर द्वारा मुंबई कोलाबा पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त पांडुरंग शिंदे के समक्ष दर्ज करवाई गई है। समग्र मामले की जांच एसआईटी की टीम द्वारा दादरा नगर हवेली प्रदेश में आकर थोड़े ही दिनों में शुरू की जाएगी।